वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ ने एहतसाब का नारा बुलंद किया, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के अकाउंट्स का सुराग लगाने के दावे किए। मुल्क भर में शोर मचा कि अब सारे मुजरिम सलाखों के पीछे होंगे। इसी दौरान वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने दावा किया कि हुकूमत बरतानिया के साथ मुजरिमान की हवालगी का मुआहदा तय पा गया है। वो क्या कह रहे थे वो देख लीजिए। के लिए हमारा MOU तो साइन हो चुका है, अभी उन्होंने उनके एक्सट्रेडिशन जो नोट होता है उसके ऊपर दस्तखत करने हैं। पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कौन से कैदी बाहर हैं, वो वापस आएंगे, उनके लिए मुआहदा तय पा गया है, ये सब बातें हुकूमत कर रही थी। हुकूमत ने दावे तो बहुत किए मगर अब खबरें आ रही हैं कि हुकूमत बरतानिया ने मुजरिमान के तबादले का मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। वायदे की मुअत्तली की वजह वजारत कानून की जानिब से कमजोर दरखास्त और मुल्क में मनुष्यात स्मगलरों को दी जाने वाली सजा है। कौमी असम्बली की जेली कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी और तरक्की इंसानी वसाइल के अजलास में वजारत खारजा के शोबा ओवरसीज पाकिस्तानी के डायरेक्टर जनरल शोजेब अब्बास ने बताया है कि चीनी इन्हीं वजूहात के बिना पर पाकिस्तान के साथ मुजरिमान के तबादले का मुआहदा करने से गुरेजा है। उनका कहना था कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ कैदियों के तबादले का मुआहदा जारी नहीं रखना चाहता और इसकी वजह यह है कि हुकूमत बरतानिया चाहती है कि जो मनुष्यात स्मगलर्स बरतानिया में सजा होने के बाद कैद काट रहे हैं वो पाकिस्तान मुंतकली के बाद भी अपनी सजा जेल में पूरी करें और पाकिस्तान इसे मुअत्तल ना करे। साथ ही उन्होंने बताया कि बरतानवी हुकूमत सूरत में मुआहदे की बहाली पर गौर करेगी। जब हुकूमत पाकिस्तान मुजरिमान के लिए इसी सजा के इतलाक पर रजामंद हो जाएगी जो बरतानिया में दी जाती है और सजा मुअत्तल नहीं करेगी बल्कि कंटिन्यू करेगी, तो शोजेब अब्बास ने बताया कि अप्रैल 2018 के एक केस की मिसाल पेश की है जिसमें 17 पाकिस्तानी मुजरिमान थाईलैंड से वतन वापस लाए गए थे। तहम यहां आकर थाईलैंड से सजा याफ्ता मनुष्यात स्मगलरों ने पाकिस्तानी कवानीन के तहत अपनी सजाओं में तख़फीफ की दरखास्त दे दी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से 8 मुजरिमान को रिहा कर दिया था। उन्होंने कमेटी को मजीद बताया कि थाईलैंड के कानून के मुताबिक मनुष्यात के केस में मुजरिम साबित होने वाले शख्स को 40 साल कैद की सजा होती है जबकि पाकिस्तान में सजा की मुद्दत का तायुन मनुष्यात की मकदार पर किया जाता है और सजाओं की मुद्दत 10 से 25 साल के दरमियान हो सकती है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता बरस थाईलैंड में हिरासत में लिए गए 88 पाकिस्तानियों में से 60 को मनुष्यात के जुर्म में सजा हुई थी। इनमें से 48 कैदी पाकिस्तानी जेलों में मुंतकली की शरायत पर पूरा उतरे जिनमें से 17 मुजरिमान को पहले मरहले में पाकिस्तान वापस लाने के लिए पाकिस्तान ने $35,000 अदा किए। हुकूमती ओहदेदार का मजीद कहना था कि उन्होंने वजारत दाखिला को तजवीज पेश की है कि कैदियों को जो सजा दीगर रियासतों की जानिब से दी जाती है इस पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाए। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बरतानवी जेल में कत्ल के जुर्म में कैद की सजा काटने वाले मुजरिम तारिक अजीज को पाकिस्तान की जेल में मुंतकिल करने से मुतालिक केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए हैं कि नवाज शरीफ चाहें तो 2 दिन में मुल्क से बाहर चले जाएं लेकिन यहां हुकूमत को यह तय करने में 6 साल लगे कि बरतानिया में कैद पाकिस्तानी शहरी को वापस लाना कैसे है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स किसी भी वजारत कानून और सफारत खानों की नाअहली की जानिब इशारा कर रहा है। यह सवाल पैदा होता है कि हुकूमत पाकिस्तान वाहिदों की पासदारी में नाकाम क्यों है। मुजरिमान की हवालगी से मुतालिक आलमी कवानीन में हमारे सिफारतकारों की कारकर्दगी क्या है? वजारत कानून प्रोसिक्यूशन के मामलात को कैसे बेहतर कर सकती है? मौजूदा हुकूमत मीडिया पर बयानात और महज तकरीर के सहारे ही सब अच्छा है का राग अलाप रही है? इन तमाम तर सवालात के जवाब पाकिस्तानी वजारत खारजा और वजारत कानून ने कौम को देने हैं। ऐसे ही सैकड़ों सवालात हैं जो हुकूमत को देना होंगे। आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तकरीब के बाद सूबाई वजीर हाउसिंग महमूद रशीद की गाड़ी ने चलने से इनकार कर दिया। गाड़ी को धक्का देकर स्टार्ट किया गया। बाजार तो ये एक मामूली सी बात है लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से मंगवाई गई गाड़ियों का यूं जवाब देना कई सवाल जन्म दे रहा है। नाकेदीन की नजर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अंदाज भी महमूद रशीद की गाड़ी सा तो नहीं है जो चलते चलते रुक जाती है, धक्का देने पर चल पड़ती है। महमूद रशीद की गाड़ी को धक्का तो सिक्योरिटी गार्ड ने दिया लेकिन हुकूमत की गाड़ी को धक्का सोशल मीडिया पर उठने वाला तूफान देता है। हुकूमत की पॉलिसी सोशल मीडिया के सहारे ही बदलती है। अपने बयानात और इतलात को सोशल मीडिया के जरिए वायरल किया जाता है मगर उन बयानात का नतीजा सिफर ही निकलता है। आवाम तो महंगाई की चक्की में पिस रही है मगर सरकारी कारिंदों को टमाटर और मटर की भाव मालूम नहीं होते हैं कि आटे दाल का भाव क्या चल रहा है। गाड़ी तो धक्के से स्टार्ट हो गई मगर सवाल पैदा होता है कि हुकूमत की गाड़ी धक्के के बगैर पटड़ी पर कब चढ़ेगी, हुकूमत की गाड़ी कब ट्रैक पर आएगी और कब मईशत का पहिया भी चलता हुआ दिखाई देगा और आम आदमी सुख का सांस लेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे आवाम पर बार बार गिरने वाली बिजली पर।